जहां एक ओर प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्रय केंद्र खुलवा कर किसानों को उचित समर्थन मूल्य पर अपने अनाज को बेचकर उन्हें लाभ देने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसी सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उनकी इन योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला ललितपुर के अमरपुर नवीन गल्ला मंडी से सामने आया है, जहां एक पीसीएफ का उड़द का केंद्र खुलवाया गया था, जिससे आसपास के किसानों को उनकी उड़द की फसलों का उचित समर्थन मूल्य मिल सके। मगर वहां के केंद्र प्रभारी अखिलेश काफ़ी अनियमितताओं में लिप्त रहते थे। वो किसानों के उड़द को खरीदने में आनाकानी कर रहे थे और व्यापारियों का उड़द खरीद कर अपने केंद्र पर रखते थे। इस बात की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को मिल रही थी। विगत रात्रि में जिला प्रशासन की अपर जिलाधिकारी ने टीम के साथ उक्त केंद्र पर छापेमारी की, जहां पर लगभग 250 क्विंटल अवैध उड़द पकड़ा गया। इस मामले में जिला प्रशासन ने उड़द क्रय केंद्र को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया और विपणन अधिकारी संजय कुमार निरंजन ने कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देकर पूरे मामले से अवगत कराया। 8 दिन से रुके SDM साहब, ADM साहब, मान लो हमारा नंबर भी करवा गए थे, 27वां या 26वां नंबर है हमारा, मान लो जनाब लिखवा गए थे, उस ना से हम पड़े हैं। अब हमारा मतलब जी है, आज तक तो आपकी टोल क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? सैंपल लिया था? नहीं, सैंपल ले लिया सो एक दो बार, मान लो कहा नहीं लग सकता थे वो सर्वेयर किसानों को। परेशानी ये है कि जब तक सर्वेयर पास नहीं करता है तब तक उनका तुलता नहीं हो। कई लोगों का ये है कि सर्वेयर ने फेल कर दिया तो वो लोग घर चले गए। अब कुछ लोग जिनका अभी पास ना होगा ना फेल होगा, वो किसान अभी खड़े हैं, उनमें से कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं। विपणन अधिकारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 420, 409 और 120B की धाराओं में मामला पंजीकृत कर केंद्र प्रभारी अखिलेश यादव, कर्मचारी गजराज सिंह और PCF प्रबंधक दिव्यांशु वर्मा के खिलाफ कार्यवाही की है, जिसमें अखिलेश और गजराज की गिरफ्तारी मौके से की गई है और दिव्यांशु वर्मा की तलाश जारी है। इस मामले में बताया गया है कि ये पूरा गोलमाल PCM प्रबंधक दिव्यांशु वर्मा की मिलीभगत से चल रहा था। PCA प्रबंधक दिव्यांशु वर्मा पर भी पहले गेहूं क्रय केंद्र में भी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। गेहूं क्रय केंद्र खिरिया मिश्र पर लगभग 180 बोरी गेहूं की लापरवाही के चलते पानी से भीग कर सड़ गया था, मगर जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।